हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द स्माइल हैज लेफ्ट योर आईज ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियोस को देख ले। पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामा संगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @ड्रामा संगी। तो जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन कुक सोजंग के पास ये एडमिट करता है कि उसने किसी को जानबूझ के मारा है, तो सोजंग उससे पूछती है कैसे तुम उस आदमी को मारने के बाद उस ट्रॉमा से बाहर आए। तो जिन कुक बोलता है कि जिन कंग मेरी जिंदगी में आने के बाद उसने सब कुछ चेंज कर दिया था। इसके बाद जिन कुक और सोजंग बातें करते हुए जिन कुक के पास जिन कंग के बॉस का फोन आता है, और वो जिन कुक से जिन कंग के बारे में पूछती है और बोलती है कि जिन कंग से कुछ काम था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है क्योंकि वो शहर से बाहर है। तो जिन कंग काम पे नहीं गई ये जान के जिन कुक परेशान हो जाता है और तुरंत घर जाने के लिए निकल पड़ता है। और घर जाते हुए रास्ते में जिन कुक को पता चलता है कि मुयोंग को आज पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन उसने पूछताछ का डेट पोस्टपोन करके किसी और दिन कर दिया है क्योंकि मुयोंग हेसन गया हुआ है। तो मुयोंग हेसन गया है ये जान के जिन कुक समझ जाता है कि शायद जिन कंग भी उसके साथ ही हेसन गई है। अगले दिन जिन कंग जब घर पहुंचती है तब जिन कुक उससे पूछता है कि क्या वो पिछली रात मुयोंग के साथ थी। तो जिन कंग उसके सामने एडमिट करती है कि हाँ वो मुयोंग के साथ थी। ये सुन के जिन कुक गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था उससे मिलने के लिए लेकिन फिर भी तुम उससे मिली। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा मुयोंग से दूर रहने के लिए, क्या तुम भूल गई इतने दिन मैंने तुम्हें कैसे अकेला बड़ा किया है। तो ये सुन के जिन कंग भी गुस्से में बोलती है मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी ये बातें सुन के, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ इसलिए मुझे भी बुरा लगता है तुम्हारे लिए, और मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरे लिए बहुत ही सेक्रीफाइस किया है और तुमने आज तक मेरे लिए जो भी सब कुछ किया है इसके लिए मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ऋणी रहूंगी। ये बोल के जिन कंग रूम में चली जाती है। तो जिन कुक उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि जिन कंग कभी भी उसके लिए बोझ नहीं था लेकिन जिन कंग उसकी बातें नहीं सुनती। आगे मुयोंग की मुलाकात जिन कुक से होती है और इस बार मुयोंग जिन कंग के खातिर जिन कुक से अच्छे से बातें करता है लेकिन जिन कुक उसे बोलता है कि तुम एक खूनी हो और मेरी बहन से अब से दूर रहना। ये सुन के मुयोंग जिन कुक के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे कहने पर जिन कंग से मिलना बंद नहीं करूंगा और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगा। ये सुन के जिन कुक गुस्से में बोलता है कि तुम जो भी करना चाहो करो और मैं जिन कंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। आगे मुयोंग और जिन कंग मिलते हैं जहां बातों ही बातों में जिन कंग मुयोंग से बोलती है कि अगर जिन कुक उन दोनों के रिश्ते को जल्दी से मान जाए तो अच्छा होगा। ये सुन के मुयोंग बोलता है उन दोनों का रिश्ता अगर जिन कुक नहीं भी माने तो भी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और मुयोंग की इस बात से जिन कंग को बुरा लगता है और वो बोलती है कि जिन कुक की मंजूरी उसके लिए मायने रखती है क्योंकि जिन कंग के लाइफ में जिन कुक के लिए एक अलग ही जगह है। ये बोल के जिन कंग वहाँ से जाने लगती है और मुयोंग भी उसे नहीं रोकता। तो जिन कंग जब चली जाती है तब अचानक से मुयोंग बाहर जाके जिन कंग को ढूंढने लगता है और उसको ढूंढते हुए जिन कंग के घर भी जाता है लेकिन वहाँ भी उसे जिन कंग नहीं मिलता। इसके बाद जब वो घर लौटता है तब वो देखता है कि जिन कंग वहाँ उसका वेट कर रही है। तो जिन कंग को देख के वो हक करता है और जिन कंग उसे बोलती है कि अगर अगली बार मैं जाना भी चाहूँ तो तुम मुझे जाने नहीं देना और मुझे रोक के रखना। यहाँ से सीन चेंज होती है और अगले दिन जिन कंग जिन कुक से माफी मांगती है पिछले बार बुरे बर्ताव करने के लिए, और फिर जिन कुक को बोलती है कि धीरे धीरे वो मुयोंग को पहचान जाएगा और फिर जिन कुक को भी मुयोंग अच्छा लगने लगेगा। तो ये सुन के जिन कुक फिर से जिन कंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि जिन कुक के इतने कोशिश करने के बाद भी जिन कंग मुयोंग को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए इस बार जिन कुक गुस्सा होकर जिन कंग को कुछ भी ना बोल के चला जाता है। आगे यूरी के साथ जेल में मिलने के टाइम रास्ते में जिन कुक की मुलाकात डॉक्टर जंगमो से होती है और वो भी यूरी से मिलने जेल गया था। तो डॉक्टर जंगमो जिन कुक से मिल के यूरी के केस के बारे में बातें करते हैं और यूरी के केस के बारे में बातें करते हुए मुयोंग का नाम आ
आते ही डॉक्टर जंगमो को लगता है कि ये नाम उसने कहीं पर सुना है, इसलिए वो जिनकुक से और कुछ बातें ना करके अपने घर जाता है। और घर जाके मीयोन मर्डर केस में जब मुयोंग को अरेस्ट किया गया था उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ता है और मुयोंग को देख के उसे एक बच्चे के बारे में याद आता है। इसके बाद डॉक्टर जंगमो जिनकुक से मिलते हैं और उससे मुयोंग के बारे में पूछते हैं, तो जिनकुक उसे मुयोंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बता सकता था। तो डॉक्टर जंगमो जिनकुक को बताते हैं कि जिनकुक ने डॉक्टर जंगमो की जिस किताब से यूरी के बारे में पढ़ा था उसी किताब में डॉक्टर जंगमो ने मुयोंग के बारे में भी लिखा था। इसके बाद डॉक्टर जंगमो जिनकुक को बोलते हैं कि मुयोंग की वजह से ही इंस्पायर्ड होकर डॉक्टर जंगमो चाइल्ड साइकियाट्रिक बने। आगे मुयोंग और जिनकंग एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ जिनकंग मुयोंग के घर के लिए बहुत सारे सामान खरीदती है और मुयोंग के घर को एक स्टोर रूम से प्रॉपर घर में चेंज कर देती है। इसके बाद जिनकंग मुयोंग के घर में एक डॉल में उसका और जिनकुक का पिक्चर रखती है ताकि जिनकुक के पिक्चर को देख के मुयोंग जिनकुक के बारे में सोच सके और उसे हेट करना बंद करे। तो जिनकुक और जिनकंग की उस पिक्चर में पीछे के हॉस्पिटल को देख के मुयोंग को कुछ जाना पहचाना लगता है। आगे जिनकुक जिनकंग को कॉल करके बताता है कि वो आज उन दोनों के लिए खाना बनाने वाला है, तो इसीलिए जिनकुक जिनकंग को घर जल्दी आने बोलता है। लेकिन जिनकंग बोलती है कि वो घर नहीं आ सकती क्योंकि उसका ऑफिस में बहुत ही काम है और जिनकुक को जिनकंग ने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसका पहले से ही मुयोंग के घर में खाने का प्लान था, तो इसीलिए उस प्लान के मुताबिक जिनकंग मुयोंग के घर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तभी जिनकुक मुयोंग के घर के बाहर आता है ये देखने के लिए कि क्या उसके घर में जिनकंग है या नहीं, और जिनकुक मुयोंग के घर में जिनकंग और मुयोंग को एक साथ देखते हैं और ये देख के जिनकुक गुस्सा हो जाता है। इसके बाद मुयोंग वाइन खरीदने बाहर स्टोर में जाता है जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात जिनकुक से होती है। तो मुयोंग जब अपने घर जाने के लिए जिनकुक को पास कर रहा होता है तभी जिनकुक एक चाकू निकाल के मुयोंग के पेट में घुसा के वहां से चला जाता है। इसके बाद मुयोंग दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और फिर उसी दर्द में वो डॉक्टर जंगमो के घर जाता है। तो डॉक्टर जंगमो मुयोंग को घायल हालत में देख के शॉक्ड हो जाते हैं और मुयोंग को हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, लेकिन मुयोंग हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल चला जाता तो इस केस के बारे में सभी जान जाते, जिसकी वजह से जिनकुक को मुयोंग को मारने के जुर्म में जेल भी हो सकता था। तो जिनकुक के बारे में सोच के मुयोंग हॉस्पिटल नहीं जाता, तो इसीलिए डॉक्टर जंगमो घर में ही मुयोंग का इलाज करते हैं। और मुयोंग जब ऑर्फेनेज में रहता था तब डॉक्टर जंगमो उस ऑर्फेनेज के पास एक हॉस्पिटल में काम करते थे और डॉक्टर जंगमो जब मछली पकड़ने जाते थे तब वहाँ पर मुयोंग भी जाता था, तो वहाँ से ही मुयोंग डॉक्टर जंगमो को पहचानता था। उधर जिनकंग जो कि मुयोंग के घर में उसका इंतजार कर रही थी वो जब देखती है कि बहुत टाइम गुजरने के बाद भी मुयोंग घर नहीं आता तब वो मुयोंग को लेकर टेंस्ड होने लगती है। इसके बाद जिनकंग मुयोंग को ढूंढने के लिए उसके घर के आसपास के वाइन शॉप्स में जाती है लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं था, तो जिनकंग टेंस्ड हालत में घर जाती है। अगले दिन सुबह जिनकुक टीम लीडर ली को अपना रिजिग्नेशन दे के बोलते है कि उसने पिछली रात एक लड़के को मारा है, जिसके बारे में जान के टीम लीडर ली पिछली रात के सभी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं था जहाँ पर किसी आदमी ने किसी का खून किया था। और ऐसा रिपोर्ट इसीलिए नहीं था क्योंकि मुयोंग ने अपने ऊपर हुए हमले का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया था, तो कोई भी खून की रिपोर्ट नहीं है। ये जान के टीम लीडर ली जिनकुक को बोलते है तुम्हें अपने टीम मेंबर्स के बारे में सोचना चाहिए और उन लोगों के बारे में सोच के तुम्हें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आगे जिनकंग जो कि मुयोंग को लेकर पूरी ही परेशान थी उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसलिए वो ऑफिस से छुट्टी लेके मुयोंग के घर जाती है और उधर मुयोंग को होश आ जाता है और होश आने के बाद ही वो पहले डॉक्टर जंगमो के फोन से जिनकंग को फोन करता है। तो मुयोंग का फोन पाके जिनकंग उससे पूछती है कि वो कल कहाँ गायब हो गया था, तो मुयोंग उससे झूठ बोलता है कि कल रास्ते में मेरी एक दोस्त से मुलाकात हो गई थी और मैं उससे मिलने उसके घर आया हूँ। तो ये सुन के जिनकंग विश्वास नहीं करती और वो मुयोंग को सच बताने बोलती है, लेकिन मुयोंग उसे फिर से वही बात दोहराता
बताता है कि वो दोस्त के घर आया हुआ है। ये सुन के जिनकंग बोलती है, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी, ये सब मेरे लिए बहुत ही कठिन है कि तुम कभी भी गायब हो जाते हो और इसके बाद मुझे ठीक से गायब होने के पीछे कारण भी नहीं बताते। ये बोल के जिनकंग रोने लगती है और फोन काट देती है। तो उसको रोते हुए सुन मुयंग डॉक्टर जंगमो के घर से अपने घर जाने ही लगता है कि तभी डॉक्टर जंगमो आके उसे रोकते हैं और उसे कहीं भी जाने से मना करते हैं क्योंकि वो तब भी ठीक नहीं हुआ था। इसके बाद जिनकंग अपने घर जाती है जहाँ जिनकुक उससे पूछता है कि मुयंग कैसा है। तो जिनकंग जब बोलती है कि मुयंग अच्छा है, उसको सुन के जिनकुक उसके सामने एडमिट करता है कि मैंने मुयंग को चाकू से मारा है, मेरे पास और दूसरा रास्ता नहीं था तुम दोनों को अलग करने का। अगर तुम नहीं चाहती कि आगे से ऐसा कुछ भी हो तो मुयंग से मिलना बंद कर दो। ये सुन के जिनकंग रोते हुए पूछती है कि क्यों तुमने ऐसा किया। तो मुयंग बोलता है, तुम मेरे लिए कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये बोल के जिनकुक चला जाता है। आगे मुयंग को जिनकुक ने हार्म किया है ये जान के जिनकंग उसी नंबर पे कॉल करती है जिस नंबर से मुयंग ने उसे कॉल किया था। तो इस बार फोन डॉक्टर जंगमो उठाते हैं। तो जिनकंग डॉक्टर जंगमो से मुयंग के तबीयत के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर जंगमो से बताते हैं कि मुयंग अब ठीक है, जिसको सुन के मुयंग को रिलीफ मिलती है। इसके बाद मुयंग डॉक्टर जंगमो के घर में अकेले बैठ के जिनकंग के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने डॉक्टर जंगमो आते हैं और उसको देख के मुयंग को याद आता है कि 5 साल उम्र में वो जब हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ था तब उसके सामने डॉक्टर जंगमो थे। ये याद आने के बाद वो डॉक्टर जंगमो से पूछता है कि आप मुझे कब से पहचानते हो। तो डॉक्टर जंगमो उसको सब बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारा हाथ जलने के बाद तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था और फिर उसके 3 साल बाद एक दिन मछली पकड़ते हुए मैंने तुम्हें नदी के सामने देखा था, तब तुम्हारे हाथ में जलने के निशान को देख के मैं पहचान गया था कि तुम वही बच्चे हो जिसका ट्रीटमेंट मैंने किया था। तो ये सुन के मुयंग बोलता है कि मैं जब 5 साल उम्र में ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से जा रहा था तब मेरी याददाश्त चली गई थी और आपने मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए देखा था, तो क्यों आपने तब मुझे जाने से नहीं रोका। तो डॉक्टर जंगमो बताते हैं कि मैंने सोचा यही तुम्हारा लास्ट चांस है तुम्हारे पास्ट को भूलने का। तो ये सुन के मुयंग बोलता है कि मेरे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में आप मुझे याद नहीं दिलाना चाहते। तो ये सुन के डॉक्टर जंगमो इसके बारे में जवाब नहीं देते। आगे जिनकंग जिनकुक को बोलती है कि वो आगे से मुयंग से नहीं मिलेगी। ये सुन के जिनकुक राहत की सांस लेता है। फिर मुयंग अपने घर वापस आ जाता है और घर जाके उसे जिनकंग की नोट मिलती है जहाँ पर उसने लिखा था आई एम सॉरी और जिनकुक को माफ कर देना। ये देख के मुयंग समझ जाता है शायद जिनकंग अब उसके साथ नहीं रहेगी। फिर वो घर से बाहर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात जिनकंग से होती है और उसे देख के मुयंग बोलता है, तुम अगर मुझसे दूर जाना चाहो तो जा सकती हो और अगर तुम्हें कभी भी मेरे पास आने का मन करे तो भी आ सकती हो। ये सुन के जिनकंग इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैं कहीं जाने नहीं वाला और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बोल के वो दोनों किस करते हैं। फिर बातों ही बातों में मुयंग जिनकंग को बताता है कि डॉक्टर जंगमो को उसके पास्ट के बारे में पता है। तो मुयंग डॉक्टर जंगमो से उसके पास्ट के बारे में पता करेगा। आगे जिनकुक यंगर मुयंग के मिसिंग पोस्टर को लेके डॉक्टर जंगमो को दिखा के पूछता है कि क्या वही बच्चा मुयंग है। तो डॉक्टर जंगमो बोलते हैं कि हाँ वही मुयंग है। यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन में हम देखते हैं कि जिनकुक ही मुयंग को हॉस्पिटल लेके गया था जब उसका हाथ जल गया था और जब मुयंग हॉस्पिटल से चला गया था उसके बाद जिनकुक मुयंग को हॉस्पिटल में ढूंढने गया था। हालांकि जिनकुक को ये पहले से ही अंदाजा था कि मुयंग ही वो लड़का है जिसको वो ढूंढ रहा था, फिर भी ये क्लियर हो जाने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है। आगे मुयंग डॉक्टर जंगमो के पास जाके पूछता है कि क्या उसके पापा को किसी ने गोली करके मारा था, क्योंकि वो हर वक्त सपने में देखता है कि उसके पापा को कोई गोली करके मार रहा है। तो ये सुन के डॉक्टर जंगमो बोलते हैं कि मैं ठीक से इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जब तुम अपने पापा के मरने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तब मैंने नर्स लोगों से ये बातें करते हुए सुना था कि तुम्हारे पापा ने माउंट गुम्हा नाम के एक पहाड़ से कूद के अपना जान दिया था। तो डॉक्टर जंगमो से बातें करके मुयंग जिनकंग से बातें करता है और उसे बताता है कि डॉक्टर जंगमो ने मुझे कहा है कि मेरा असली नाम कांग सनहो है। तभी रास्ते में मुयंग की मुलाकात जिनकुक से होती है और उसको देख के जिनकुक को याद आता है कि डॉक्टर जंगमो ने बोला था कि मुयंग ही कांग सनहो है। और यहाँ ही पार्ट 6 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।